नमस्कार, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने को है, लेकिन इस बीच बीजेपी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। रैगांव विधानसभा सतना की, जहां का मैंने आपको बताया था पहले भी कि वहां पर जो बीजेपी के अभी दावेदार माने जा रहे हैं विधायक के टिकट के, उन्होंने खुले तौर पर सभा में बोला था कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा। और अब एक वीडियो खंडवा से वायरल हो रहा है, जहां से लोकसभा का चुनाव होना है। खंडवा लोकसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हर्ष चौहान, जो कि दिवंगत कुमार चौहान के पुत्र हैं, उनका वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा से 3 से 4 प्रत्याशी बीजेपी से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, वो इसके लिए वीडी शर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम आलाकमान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें अर्चना चिटनिस हैं और अशोक पालीवाल। अशोक पालीवाल ने भी पिछले दिनों वीडी शर्मा से भोपाल में मुलाकात की थी, और इसके अलावा अर्चना चिटनिस की वीडी शर्मा के साथ 1 से 1.5 घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। इसको लेकर अब अटकलें तेज हैं कि आखिर खंडवा लोकसभा से उम्मीदवार कौन होगा। क्या दिवंगत नंद कुमार चौहान के पुत्र हर्ष कुमार चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से आज उनका विरोध हुआ, उसको देखते हुए अब इसे कांग्रेस पॉजिटिव भी पल ले रही है, और कांग्रेस ही खेमे पर खुशी का माहौल देखा जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव की, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें अंतर्कलह कलह हार की एक प्रमुख वजह बनता है। और जिस तरह की स्थितियां वर्तमान में बन रही है, उसको देखकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह अंतर द्वंद बीजेपी में चालू रहा, तो बीजेपी के लिए तीन विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। वर्तमान में खंडवा और रैगांव में तो खुलकर विरोध सामने आ भी गया, खुलकर अंतर्कलह दिख भी गया है। अब देखने वाली बात होगी कि खंडवा में पार्टी किस संभावित चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी जिस भी संभावित चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाएगी, वो चेहरे उम्मीदवार का विरोध जरूर करेंगे, भले ही वो खुलकर विरोध न करें, या अंदरूनी विरोध होगा। और इससे बीजेपी को प्रदेश में करारा झटका लग सकता है। प्रदेश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उन सीटों पर, जितने भी सीटों पर हो रहे हैं, वहां बीजेपी के लिए अब खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।